राधे राधे फ्रेंड्स, आज आपकी किचन में बनेगी बिल्कुल नए तरीके की पनीर। पनीर तो आपने कई बार खाई होगी और अक्सर खाई जाती है, लेकिन आज जो मैं पनीर बनाने जा रही हूँ आपकी किचन में, बहुत ही अलग और उम्दा किस्म की पनीर बनेगी। इसके लिए हमें खड़ी धनिया 4 से 5 चम्मच और ये सारे गरम मसाले, जायफल है और तेज़पत्ता, लौंग, फूल चक्री, काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी वाली इलायची, जावत्री, लकड़ी, जीरा, 8 से 10 मिर्च लाल। और फ्रेंड्स, मैंने ये मसाले इसलिए यूज किए हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही अलग और हटकर आता है। मीडियम साइज की 8 कटी हुई प्याज और 6 से 7 गांठ लहसुन की और 6 से 7 तो टमाटर। फ्रेंड्स, टमाटर ये देसी हैं, आपके पास वो वाले हों तो उन्हें थोड़ा बढ़ा लें। और 1/2 किलो पनीर। फ्रेंड्स, मसाले आप अपने हिसाब से ले लें, थोड़े कम ज़्यादा, क्योंकि कहीं ज़्यादा ग्रेवी और तेल मसाला खाया जाता है, कहीं थोड़ा इसे हल्का लाइटली खाते हैं। लेकिन एक बार ये पनीर बनाएंगे तो आप सच में इस पनीर का टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। और टमाटर प्याज का पेस्ट पिसा हुआ, इसे तैयार कर ले। और ये फ्राई करने के लिए जीरा, काली मिर्च, तेज़पत्ता, पनीर फ्राई करने के लिए। फिर अब भगोने में हम 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे, फिर खड़े मसाले डालकर फ्राई करेंगे। ये मसाले ज़रूर डालें, इससे पनीर में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर 1 इंच टुकड़ा अदरक का लेकर हम कद्दूकस करके डाल देंगे और भूनेंगे। और फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसे एक बार ज़रूर बनाएं। और फिर प्याज का पेस्ट डालकर भूनेंगे। प्याज का पेस्ट तब तक भूनेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए, जब तक तेल ना छोड़ दे। मसाले भूनने में फ्रेंड्स थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा। और देखिए, प्याज का पेस्ट बिल्कुल पक गया है। फिर हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। मसाला मैंने सिलपट तैयार किया है, चाहें तो एक बार आप भी सिलपट ट्राई करें, नहीं तो मिक्सी तो आपके पास होगी, आप उसमें भी पीस लें। और फिर इसे भी हमें तेल छूटने तक ही अच्छी तरह पकाना है, जब तक मसाले से तेल ना निकलने लगे। और फ्रेंड्स, इसका एक सीक्रेट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर नमक डालकर इसे हम मिलाएंगे 1 से 2 मिनट तक, और फ्लेम धीमी ही रहे। फ्रेंड्स, धीमी आंच में जितनी अच्छी तरह ये मसाले पकेंगे, टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और जो बहुत ही हैवी मसाला खाते हैं, उनके लिए तो ये पनीर बिल्कुल परफेक्ट है। और सीक्रेट है 1 चम्मच बेसन। 1 चम्मच बेसन डालकर फिर हम इसे 3 से 4 मिनट धीमी आंच में ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, बेसन डालकर आपने पनीर नहीं बनाई होगी, एक बार इसे ज़रूर बनाएं, मेरे कहने पर बनाएं आप। और देखिए, बेसन भी पक गया है और मसाले से तेल भी निकलने लगा है, इसीलिए मैंने आपको पास से दिखाया है। और फिर पके हुए मसाले में टमाटर का पेस्ट डालेंगे, और जब तक पकाएंगे तब तक इसमें तेल ना निकल आए। इसे भी हम धीमी आंच में ही बराबर पकाएंगे। देखिए, पेस्ट भी पक गया टमाटर का, और हम इसमें घर का बना हुआ पनीर मसाला 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे और उसे भी पकाएंगे, और 5 मिनट के लिए धीमी आंच में ढक देंगे। और फिर इसे हम चेक करेंगे, देखिए कितनी अच्छी तरह मसाला पक गया है। फ्रेंड्स, मैंने सारे मसाले घर के शुद्ध मसाले यूज किए हैं, कभी कभी घर के मसाले भी यूज करें, और मैंने इसमें कोई कलर या कोई कश्मीरी मिर्च नहीं यूज की है। फिर पनीर डालकर हम इसे फिर मिलाएंगे, और मलाई वाला 2 कटोरी दूध डालेंगे, और फिर मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक फिर पकने देंगे। और फ्रेंड्स, इसे आप बनाएंगे और जब टेस्ट इसका आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। फिर हम उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी डालेंगे, और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें, जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतनी रखें।
फिर इसे हम धीमी आँच में पकने देंगे और जैसे जैसे ये पकेगी फ्रेंड्स वैसे वैसे इसमें कलर आ जाएगा और तेल भी मालूम पड़ेगा। तेल मैंने ज़्यादा नहीं यूज किया ना ही कोई कलर यूज किया और फिर इसे धीमी आँच में ही पकने दे और धीरे धीरे फ्रेंड्स तेल भी निकल कर आएगा और कलर भी बहुत ही सुंदर आएगा। आपसे बातें करते करते देखिए पनीर बनकर तैयार है और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पनीर बनी है। और अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। इसके लिए एक बाउल में पनीर डाल लेंगे और हरी धनिया से फिर हम इसे गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स खाने में जितना स्वाद तेल मसाले का और बनाने का है उतना ही स्वाद इसे जितनी अच्छी तरह हम सर्व कर लें प्लेटिंग कर लें तो जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही खाने में और भी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ये पनीर आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो बताएं और नहीं भी अच्छी लगे तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और ये गर्मा गर्म पनीर बनकर तैयार है, चटपटी तीखी। गर्मा गर्म पनीर परिवार के साथ एंजॉय करें और खुश रहें, खुश रखें। जय श्री कृष्णा।